लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिन पहले अधिवक्ता श्याम नारायण मिश्रा अपने प्लॉट की बाउंड्री करवा रहे थे। इस दौरान मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद विजय कुमार गुप्ता और उसके गुर्गों ने अधिवक्ता से रंगदारी ना देने पर उसके साथ मारपीट की। बता दें कि योगी सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हमारी सरकार में गुंडाराज नहीं चलेगा, मगर पार्टी के पार्षद विजय कुमार गुप्ता दबंगई पर उतारू हैं। तस्वीर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से अधिवक्ता के परिवार पर कातिलाना हमला हुआ है। के साथ प्रशांत की हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर बीते कुछ दिन पूर्व में मारपीट का मामला सामने आया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद द्वारा गुंडाई का मामला सामने आया था। यहां पर खास अधिवक्ता के रूप में श्याम नारायण मिश्रा जी हैं, इनसे कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो श्याम नारायण मिश्रा जी, आपका चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते कुछ दिन पूर्व में आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं उनके अंदर गुंडाई का मामला आया था, क्या था पूरा मामला? 22/8/2022 को भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विजय कुमार भुर्जी न्यू हैदरगंज प्रथम से जो कि पार्षद हैं, ये अपने गुंडों के साथ आए और हमसे रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी न देने पर इन्होंने खुद और इनके गुंडे साथियों ने हमारे और हमारे बच्चों के ऊपर मारपीट की, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दर्ज है। उसके बाद भी हमारी FIR नहीं लिखी गई। जब हमारी FIR नहीं लिखी गई तो हमें थक हार करके माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। माननीय न्यायालय के आदेश पर मेरी FIR दिनांक 15/9/2022 को दर्ज हो पाई। जब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? अभी तक पुलिस द्वारा कार्रवाई शून्य है। विजय भुर्जी और उसके गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं और हमको और हमारे परिवार को जान माल की धमकी दे रहे हैं। अगर विजय भुर्जी को जल्द गिरफ्तार न किया गया तो ये किसी न किसी दिन मेरी और मेरे परिवार की हत्या भी करा सकता है। न्यायालय से जाने से पहले आपने स्थानीय किन किन आला अधिकारियों के पास लखनऊ कमिश्नरेट के न्याय की गुहार लगाई? न्यायालय जाने से पहले हम कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, ACP, SHO ठाकुरगंज सभी के पास गए, किंतु हमारी कहीं पर भी किसी ने कोई मदद नहीं की। मेरी FIR तक दर्ज नहीं हुई। क्या लगता है मौजूदा सब पार्टी के सब पार्षद होने के नाते इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही? इसका पूरा लाभ उनको मिल रहा है, सत्ता पक्ष का होने का पूरा लाभ मिल रहा है, किंतु माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पूरी बातें अभी नहीं पहुंच पाई हैं। जिस दिन पहुंचेंगे उस दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी इनको तत्काल स्वयं गिरफ्तार करवा के पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। क्या लगता है योगी सरकार में गुंडाई नहीं होगी, मगर एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना होता है, मगर पूरी राजधानी में देखा जाए, राजधानी की जहां पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं बैठते हैं वहां पर गुंडाई हो रही है, इस मामले में आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और कमिश्नर ऑफ पुलिस इस विजय भुर्जी पार्षद को तत्काल न्याय हित में और जनहित में इसको तत्काल अरेस्ट करवाएं, तभी हमको और हमारे परिवार को न्याय मिल पाएगा। जैसे कि बीते जब घटना होती है उसके उसी दिन आपको 151 में चालान भेज दिया जाता है, आपको जेल भेजा जाता है, इस मामले में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्य था पुलिस का। 107/16 में जबकि द्विपक्षीय कार्रवाई होती, लेकिन पुलिस ने 107/16 में हम ही और हमारे पुत्र और हमारे चाचा जी को 107/16 में हम लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 3 दिन हम लोगों को जेल में रहना पड़ा। और अंबाला में पुलिस ने